मैंने इसमें फैजल खान का रोल किया है जो मनोज वाजपेयी का बेटा है, और ऐसा है बस कि चरसी गंजड़ी टाइप का है और करता कुछ नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है, प्यार भी करना चाहता है एक लड़की से, कोई उस पर यकीन ही नहीं करता कि कुछ कर लेगा, तो इस तरह का है। और डरावना था क्योंकि कोई स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट होती है, सीन होते हैं जो उसमें डायलॉग नहीं होते, और कैमरे पर डायलॉग राइटर है, तो जब हम लोग सीन करने के लिए जाते थे तो लाइट एक्शन कैमरा सब रेडी होता था, डायलॉग नहीं होते थे, और जब ये आके बताते थे कि बस ऐसे ऐसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास जाऊँगा ये कर दूँ, तो और करते करते चले जाते हैं, उनको एक्टर जो है ना फॉलो करते जाते हैं, सुनो सुनो क्या बोला क्या बोला, चल चल चल, इतने में एक्शन भूल जाता है। अब जो समझ में आया थोड़ा बहुत उसको लेके बोलो, तो शुरू के दो दिन में बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था, फंस गया था, लेकिन कहते हैं ना कि डर के बाद जीत है, तो ऐसा जब आप उनके स्टाइल को समझ लेते हैं उससे ज़्यादा इन्जॉय फिर कुछ नहीं, फिर फन हो जाता है। सेट से एक फन चीज़ हुई थी कि मेरा एक रोमांटिक सीन था इसमें, और वो सीन था जो मेरी रियल लाइफ में हुआ। मैं फर्स्ट टाइम में एक लड़की के साथ डेटिंग पे गया था, तो उसको मैं पार्क में ले गया था, और पार्क में बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं, वो मेरी तरफ देख रही है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, कभी इधर देख रहे हैं, वो भी उधर देख रही है, तो धीरे से मौका पा के मैंने उसके हाथ पे हाथ रख दिया है, और जैसे ही हाथ पे हाथ रखा वो तो फिर गड़बड़ा गया, उसने बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पे हाथ रखने की, तुम्हें पहले परमिशन लेनी चाहिए थी ना कुछ, ये क्या मतलब है, तुम कहीं भी हाथ रख दो कुछ भी कर दोगे। मैंने कहा आई एम सॉरी, हमें गलती हो गई, बहुत ज़्यादा उसने जब डांटा मुझे तो मेरे आंसू आ गए आंखों में, मैं उठ के जाने लगा, तो फिर उसने हाथ पकड़ा मुझे बैठाया और बोला कि देख नमाज तो रहे हैं दोस्त हैं, जो भी चीज़ चाहिए, जो भी पूछना है, जो भी कुछ करना है तो पहले पूछ तो लो, परमिशन तो ले लो, ये क्या मतलब तुम कहीं भी हाथ रख देते हो। मैंने कहा हाँ वाकई अभी मुझे जब भी मैं तुम्हारे से कुछ मुझे ज़रूरत होगी तो मैं पूछूंगा पहले, तो उसके बाद मैं रोने लगा तो मुझे पुचकारने लगी, वो इस ओके रोने की ज़रूरत नहीं है, तो अब पुचकार भी रही है और मैं फिर उसको हाथ भी लगा रहा हूँ, किस भी कर रहा हूँ, और ये हो गया कि सॉरी मैं, और एट द सेम टाइम बोल भी रहा हूँ कि नहीं अब की बार जब भी कुछ करूँगा तो पहले पूछ लूँगा। तो वो सीन मैंने जब वर्कशॉप में बताया तो वो अभी फिल्म में भी है। हाँ मतलब इस सेंस में अलग है कि देखो मैं जब आया था इंडस्ट्री में तो मुझे शुरू में जो रोल दिए जाते थे वो पिटाई होती थी मेरी बहुत, कि कभी जेल में पीट दिया मुझे, कभी हीरो पीट रहा है, कोई पीट रहा है, तो क्या अच्छा गरीब सा है इसकी पिटाई करो, इस तरह का होता था। तो रियल लाइफ में ना फ्रस्ट्रेशन होने लगा था धीरे धीरे कि एक रोल ऐसा मिलना चाहिए जिसमें सबको ठोकूं, क्या होता है जैसे दिखता है आदमी वैसे रोल मिल रहे हैं, अभी क्या मतलब है कुछ अलग होना चाहिए। तो और ये चीज़ मैंने कभी किसी को अपनी लाइफ में बताई नहीं थी, लेकिन इनको पता नहीं कैसे पता चला अनुराग कश्यप को, उन्होंने मुझे रोल ऐसा दिया, और जब मैं पिटाई करता था इसमें तो मुझे पता नहीं अंदर से रियल लाइफ में करते करते मज़ा आता था, एक दफे कुछ लिए इच्छा पूरी हो रही आदमी, उससे बेहतर क्या हो सकता है। मूवी में उनका फुल है, डांस है, ड्रामा है, रोमांस है, फाइटिंग है, मर्डर है, ये सब कुछ, चरस भी है, गांजा भी है, सब तो बड़ा मज़ा आएगा फिल्म देखने में। और मेरे जैसे जाने कितने हज़ारों करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान में जिनकी जो अतृप्त होते हैं, दबी कुचली इच्छाएं होती हैं, तो मेरे जैसे आदमी को देखेंगे उसमें तो उनको बड़ा मज़ा आएगा कि हमारे जैसा आदमी 10-10, 15-15 लोगों को मार रहा है, तो अच्छा लगेगा उनको। गैंग्स ऑफ वासेपुर 22 जून कह के लेंगे।